अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। आज मैं आपके लिए एक और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन कबाब की ये रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। और इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन, चार अदरक प्याज छोटे साइज़ के, एक छोटा पीस अदरक का, चार जो है लहसुन के और पाँच जो है हरी मिर्चें ली हैं। सबसे पहले चॉपर में प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर उसको अच्छे से चॉप करूँगी। चॉप करने के बाद अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन। अब इसको अच्छे से चॉप करेंगे। चॉप करके इसको बॉल में डाल रही हूँ और इसके अंदर इसमें ऐड करेंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर एंड 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सारे मसाले को इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून जो है वो मलाई डाली मैंने, क्रीम डाली घर की क्रीम। इसको अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। फिर इसको हल्की आंच पे जो है फ्राई करेंगे, इसके कबाब बनाकर इसको फ्राई करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और मुझे दुआ में याद रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।